नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल आपको अपने 2017 के प्रिडिक्शन न्यूमोलॉजी के बेस पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे 2017, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, जिसके लिए केवल अब 2-3 दिन ही शेष बचे हैं। ये डिफरेंट पर्सनल नंबर्स के लिए किस तरीके से क्या क्या खुशियाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आएगा। 2017 साल में सूर्य का प्रकोप और सूर्य का तेज अच्छे रूप में और नेगेटिव रूप में डिफरेंट पर्सनल नंबर पे कैसे रहेगा, इसका आगे हम विवरण देखते हैं। पहले पर्सनल नंबर होता क्या है, पर्सनल नंबर जानते हैं। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ सपोज 24 अगस्त 1974 है, तो आप सबके 24 को जोड़ेंगे तो 6 नंबर हो गया, अगस्त का मतलब 8 हो गया। 1974 को यदि हम जोड़ेंगे तो 1 + 9 + 7 + 4, तो टोटल सम यदि आता है सब करने के बाद वो 8 आता है। और 2017 में जो ईयर का समय है वो 1 होता है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के फुल नंबर को सिंगल डिजिट में कन्फाइन करके प्लस 2017 के सिंगल डिजिट नंबर 1 को अपने डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ के साथ जोड़ के जो भी नंबर बने वो आपका पर्सनल नंबर कहलाता है, पर्सनल ईयर नंबर कहलाता है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। न्यूमोलॉजी में नंबर 4 राहु को डिनोट करता है। राहु के लिए शुभ कलर ब्लू है, तो इस साल आपके लिए क्योंकि नंबर 1 और 4 का जो कंजंक्शन कहलाता है वो पितृदोष रिलेटेड होता है, तो इसमें जो भी कार्य करेंगे उसमें असफलता के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। हर चीज़ में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा साल रहेगा नंबर 4 के लिए जिसके लिए आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं वो एफर्ट अपनी क्षमता से ज़्यादा डालने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट कम मिलेंगे। बट आपको इंश्योर करना है कि आप अपने एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में डालें, किसी भी नेगेटिव चीज़ पर, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव प्रोसेस पर ना जाएं, तो उससे आपको राहु की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। राहु से रिलेटेड जितने उपाय हैं वो आपको करने होंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए हमेशा शुभकारी होगा। ब्लू कलर पे फोकस करके अपने आप को कंट्रोल में रखना और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर रखने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपको हमेशा उन्नति मिलेगी।